52 को ले टू एंकर। महा विकास अघाड़ी सरकार ने राज्य में बिजली संकट को गहरा कर दिया है। अघोषित लोड शेडिंग शुरू किया गया है। किसानों को खेती के लिए बिजली नहीं मिल रही है। मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा पत्रकारों से संवाद साधते हुए बावनकुले ने कहा। महा विकास अघाड़ी सरकार ने राज्य में बिजली संकट को गहरा दिया है। अघोषित लोड शेडिंग शुरू किया गया। किसानों को खेती के लिए बिजली नहीं मिल रही। मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा। सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो बिजली के मामले में नंबर एक राज्य 10वें स्थान पर चला गया। राज्य में किसानों को बिजली कनेक्शन, उनका बिजली कनेक्शन काट देना, रखरखाव को नजरअंदाज करने का कार्य पिछली सरकार ने किया था। कभी ही आयुष्या मध्ये कुठलेही पद मागितले नाही। मला जी काही आज माझी जे काही मिळाला आहे ते पक्षाच्या नेत्याच्या सूचनेनुसार त्यांच्या आदेशानेच मिळाला आहे आणि जे काही पक्ष निर्णय घेईल तो निर्णय मला मान्य राहील। हालांकि शिंदे फडणवीस सरकार इस पर ध्यान देगी, ऐसा विश्वास बावनकुले द्वारा व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही बावनकुले बोले, फसल ऋण पर अभिभावक मंत्री ने बैठक नहीं ली थी। बैंक किसानों को परेशान कर रहे हैं। बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्टॉल नहीं लगाए गए। इस प्रक्रिया के लिए कोई अभिभावक नहीं था तो फसल ऋण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही है, यह आरोप विधायक बावनकुले ने लगाया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।